अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उसामा और आप देख रहे हैं आज टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पांच ऐसी अमेजिंग हमारी जो एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड की वो कौन सी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास है क्रूमा कीबोर्ड। ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास इसका आइकन है। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ये जैसी एप्लीकेशन होती है वैसे ही ये कीबोर्ड आपको देता है। इसको हम सिंपली ओपन करते हैं, ये देखिए ये इसकी एप्लीकेशन खुल गई। यहाँ से आप इसकी सेटिंग जैसी आप चाहें ऐसी कर सकते हैं। ये इसकी कीबोर्ड के स्टाइल्स हैं, या आपने जो भी रखना है वो रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये चलता कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से YouTube ओपन कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा YouTube ओपन हो चुका है। अब हम इसको सर्च बार में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड, ये देखिए YouTube रेड कलर की होती है तो यहाँ पर भी हमारे पास कीबोर्ड रेड कलर का आ रहा है। अब हम कोई और एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, जैसे VLC ओपन कर लेते हैं, ऑरेंज कलर का है तो हमारे पास कीबोर्ड भी देखिए ऑरेंज कलर का ही आ रहा है। इसी तरह आज जैसी एप्लीकेशन होगी वैसे ही कीबोर्ड आएगा। सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास टैप्ड। जी हाँ, ये एक वॉलपेपर ऐप है जहाँ पर आपको बहुत ही सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आप वॉलपेपर्स के पैटर्न और कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ से चेंज हो रहा है, मैं जैसे ही राइट टू लेफ्ट करता हूँ यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाता है, और डाउन टू अप करता हूँ तो यहाँ से इसका पैटर्न चेंज होता है। अप टू डाउन करूँगा तो प्रीवियस आ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट करूँगा तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह के अगर आपको ये वॉलपेपर जो भी पसंद आए वो स्क्रीन पर लगाना हो, सिंपली ये टिक का निशान है इस पर टिक कर दीजिए और ये वॉलपेपर आपका सेट हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वॉलपेपर सेट हो चुका है। थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास म्यूज़िक एग। अगर आप अपने पुराने म्यूज़िक प्लेयर से बोर हो चुके हैं तो ये म्यूज़िक प्लेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये इसका इंटरफेस है, यहाँ से आप इसकी सॉन्ग्स, एल्बम, आर्टिस्ट, प्लेलिस्ट के बहुत सारे ऑप्शन हैं और इसका इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर जैसे हम कोई सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, ये देखिए इसका एक विजेट भी आ जाता है यहाँ पर, देखिए इसका ये एक विजेट भी है यहाँ पर जो आपको बैकग्राउंड में भी मिल जाएगा। सिंपली हम यहाँ से इसको पॉज करते हैं, देखिए यहाँ पर विजेट हमारा हो गया है। हम प्ले करते हैं, डाउन टू अप करेंगे तो हमारा सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा और अप टू डाउन करेंगे तो हमारा सॉन्ग प्रीवियस आ जाएगा। इसी तरह इसको ड्रैग करके आप कहीं भी रख सकते हैं और इससे पॉज और प्ले भी कर सकते हैं। इसको सिंपली ड्रैग करें और इसको क्लोज कर दें। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं ये सारी ऐप्स यूज़ करता हूँ, इन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारी मोर शॉर्टकट्स। ये आपके मोबाइल के शॉर्टकट्स देती है, चाहे कैसा भी शॉर्टकट हो, बुकमार्क हो, कोई कंटेंट हो, को जैसे कुछ फोन में फ्लैशलाइट नहीं होती तो हम फ्लैशलाइट का एक शॉर्टकट बना लेते हैं, ये देखिए, और ओके कर देते हैं, ये हमारा ऐड हो गया। हम बना लेते हैं ब्लूटूथ का या किसी भी चीज़ का हम बना सकते हैं, रीसेंट ऐप का बना लेते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब बैक पे जाते हैं, होम पेज पे, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे जो है शॉर्टकट बन चुके हैं। अब हम सिंपली ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो सैमसंग का ओरिजिनल फ्लैशलाइट का ऑप्शन है, ये मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और ये ऑफ की, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये मैंने फ्लैशलाइट ऑन कर दिए, मेरी फ्लैशलाइट ऑन हो चुकी है। फिफ्थ हमारी एप्लीकेशन है TSF लॉन्चर। अगर आप 3D के शौकीन हैं तो ये लॉन्चर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सिंपली इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें हर चीज़ 3D है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसको टैप करते हैं तो ये किस तरह से मूव कर रहा है, देखिए ये देखिए
तरह से यहाँ पे हम अलार्म जिस सेट कर सकते हैं अलार्म, यहाँ से ये पावर बटन ही हमने अलार्म ऑन कर दिया है, ऑफ कर दिया है, इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका 3D इफेक्ट कितना ज़्यादा अच्छा है, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये इसका 3D इफेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऐप है ये आपके लिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको बहुत ही पसंद आई होगी। होप सो कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपने रिव्यूज दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई शिकायत है तो हमें बोलिए, बताइए, और कोई आप चाहते हैं कि हम किसी और बारे में भी वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर बताइए। और हमारे न्यू यूज़र्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब न्यू वीडियो में मिलेंगे किसी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।